दाल तैयार हुई है, इसको दे देंगे तड़का। वाओ, नमस्कार, मैं कविता। आप सभी का कविता जादव रेसिपी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल जीरा राइस एंड दाल तड़का। इसके लिए मैंने एक कटोरी बासमती राइस लिए है, एक टमाटर, चना दाल, अदरक लहसुन पेस्ट, तुअर दाल, कसूरी मेथी, मूंग दाल, बारीक कटा हुआ प्याज, एक तेज पत्ता, दालचीनी, 3 लाल मिर्च, 3 लौंग, 4-5 काली मिर्च, हल्दी पाउडर, जीरा एंड कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पहले एक पानी से धो लेना है, फिर भिगोना है। अब हम 10 मिनट के लिए चावल को भिगो देंगे। चावल को 10 मिनट भिगोने से चावल बहुत अच्छा फूल जाता है। जब तक चावल भिगो रहे हैं, हम दाल को कुकर में लगा देंगे। उसके लिए मैंने एक कटोरी तुअर दाल ली है, 3 चम्मच मूंग दाल और 2 चम्मच चना दाल। चना दाल की जगह पे आप मसूर की दाल भी यूज कर सकते हो। अब दाल को 2 पानी से अच्छे से धो लेंगे। दाल धो लिए, अब डालेंगे 1.5 ग्लास पानी। अब हम दाल को पका लेंगे। दाल को पकाने के लिए मैंने एक कुकर लिया है। कुकर में डालेंगे दाल, थोड़ा सा हींग, टेस्ट अनुसार नमक, टमाटर। अब हम कुकर का ढक्कन बंद करके 3 सीटी ले लेंगे। कुकर की 1 सीटी होने के बाद मीडियम फ्लेम करना है और उसके बाद हमें 2 सीटी लेना है ताकि दाल अच्छे से गल जाए। जब तक दाल पक रही है, हम बना लेंगे चावल। चावल बनाने के लिए मैंने 1/2 चम्मच तेल लिया है। तेल में मैंने काली मिर्च और लौंग डाल दिया है, तेज पत्ता और दालचीनी डाल देंगे और 1 लोटा पानी गर्म होने के लिए उसी में डाल देंगे। अब डालेंगे टेस्ट अनुसार नमक। पानी को अच्छे से उबलने देना है। अब हम गैस फ्लेम मीडियम कर देंगे। चावल के लिए पानी अच्छा उबल गया है। जो हमने चावल में पानी डाला हुआ था वो निकाल लेंगे। अब हम उबले हुए पानी में डाल देंगे चावल। 2 मिनट तक कढ़ाई को खुला रख के ही चावल को उबलने देना है अच्छे से, उसके बाद हम ढकेंगे। तीन सीटी हो गई है, अब हम गैस बंद कर देंगे। अब हम कुकर को ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम गैस फ्लेम मीडियम करके उसको ढक के पका लेंगे चावल को अच्छे से। अब हम चावल को चेक कर लेंगे। चावल को हमें सिर्फ 90% या 80% ही पकाना है। ज्यादा पकाओगे तो वो चिपचिपा हो जाएगा। अब हम गैस फ्लेम ऑफ करके निकाल लेंगे। चावल को हम निकालेंगे छलनी में। लगभग 10 मिनट के लिए हम इसको अच्छे से ठंडा होने देंगे। कुकर ठंडा हो गया है और दाल भी बहुत अच्छे से पक गई है। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। दाल को फ्राई करने के लिए मैंने एक कढ़ाई ली है। अब डालेंगे 1 चम्मच तेल, प्याज, थोड़ी सी अदरक लहसुन पेस्ट, जीरा बहुत कम डालना है, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर। अब डाल देंगे दाल। दाल अगर ज्यादा गाढ़ी है तो आप 1/2 ग्लास पानी डाल सकते हो। 2 मिनट तक हाई फ्लेम पे ही रखना है दाल को। अब हम गैस फ्लेम ऑफ कर देंगे। चावल में जो हमने तेज पत्ता वगैरह डाले हैं वो सब हम निकाल लेंगे। अब हम चावल को फ्राई कर लेंगे। उसके लिए मैंने 1 चम्मच तेल लिया है, 1 चम्मच घी। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच जीरा। अब ऐड करेंगे चावल और चावल को बिल्कुल हल्के हाथ से मिक्स करना है। चावल रेडी हो गया है। अब हम गैस फ्लेम ऑफ कर देंगे।
और करेंगे दाल के साथ सर्व। हमारा जीरा राइस रेडी हो गया है, अब हम बनाएंगे दाल के लिए तड़का। तड़का देने के लिए मैंने ऐसी छोटी सी कढ़ाई ली है। अब लेंगे आधा चम्मच तेल, एक चम्मच घी, इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन पेस्ट, आधा चम्मच जीरा, फिर लाल मिर्च, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, इससे बहुत अच्छा कलर आता है। अब हम गैस फ्लेम ऑफ कर देंगे और डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। दाल और चावल रेडी है, अब हम गार्निश कर लेंगे धनिया से।